हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई, आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का सवाल नंबर 19। देखो भाई क्या लिखा हुआ है। ऊपर लिखा है 6x+7 और भाई नीचे लिखा है अंडर रूट में x-5 और इंटू में है x-4। आप भाई चाहो तो ना इन दोनों की आपस में यहां पर गुणा करके लिख सकते हो। देखो 6x+7 और भाई नीचे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम गुणा करने वाले हैं, यहां हो जाएगा x2। दोनों माइनस में है ना, तो 5 और 4 9 हो जाएंगे, माइनस के 9 और 5 चक्कू 20। इस प्रकार से आप सवाल को पढ़ो। 6x+7 ऊपर लिखे हैं, नीचे है x2-9x+20। अब क्या करना है, तरीका आपके पास वही है जो ऊपर वाला पद है, उसे आपको ना दो भागों में बांटना है। कैसे बांटोगे, 6x+7 लिखना है, बराबर में a लिखना है, फिर d/dx, और जो संख्या नीचे है उसे आपको वैसे ही लिखना है, x2-9x और +20, और साथ में आपको +b लिखना है। यहां पर हल करना है, ए और बी के मान निकालने हैं। देखो कैसे निकालोगे, यहां हो जाएगा 6x+7 = a(2). यहां पर आपको अवकलन करना पड़ेगा, हो जाएगा 2x-9 और यहां +b। अंदर ना यहां पर गुणा कर लो पहले, 6x+7 = यहां हो जाएगा 2ax-9a और +b। तरीका आपके पास वही रहेगा, एक्स वालों की तुलना एक्स के साथ में और अचर की तुलना अचर के साथ में। देखो यहां एक्स के साथ में लिखा है 2a और वहां एक्स के साथ में लिखा है 6। 2a = 6 तो a = 3। लो a का मान आपको मालूम पड़ गया है, अब आपको b का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे, यहां पर अचर है 7 और यहां पर क्या अचर है, यहां पर है -9a+b, तो आप दोनों को ना बराबर कर दोगे। यहां पर आपको a का मान मालूम है, रख दो, 3 रखोगे तो 9 * 3 = 27 प्लस बी और बराबर हो जाएगा 7। माइनस के 27 उधर जाएंगे तो भाई जुड़ जाएंगे ना, और b का मान आ जाएगा 27 और 7 = 34। a का मान 3 है, b का मान आ गया 34। रखना कहाँ होता है, रखना होता है हमेशा आपको यहां पर, जहां पर 6x+7 लिखे हैं उसकी जगह आपको ना ये लिख देना है बस। देखो कैसे, यहां पर लिखोगे i = जो ये वाला पद है पहले इसे लिखो। देखो a का मान क्या है, 3 है, तो 3 को आप बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा 2x-9, यहां dx लगाना है, और नीचे वाली संख्या आपको वैसे ही उतारनी है, वहां आपको कुछ भाई करना नहीं है। फिर b का मान क्या है, b का मान है 34, बाहर निकाल दो dx, और नीचे रहेगा x2-9x और +20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप i1 मानो, इसे मानो i2, और दोनों को अलग अलग हल करो, बाद में हमें आंसर जोड़कर लिखना है। तो सबसे पहले इसे हम i1 मानकर हल करने वाले हैं। देखो कैसे हल करोगे, i1 = 3, यहां हो जाएगा 2x-9, यहां dx और अपॉन में आप वही संख्या दोबारा उतार लो। i1 लगाने का केवल एक तरीका है, आप सीधा मानो t और भाई सवाल लग जाएगा। माना x2-9x+20 = t, तो यहां हो जाएगा 2x-9 dx = dt। सवाल कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि हमेशा ये वाली संख्या आपको यहां पर मिल जाएगी और ऊपर वाली पूरी संख्या का मान क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा dt और नीचे है √t। dt/√t का समाकलन आपको हम पिछले सवालों में बता चुके हैं कि भाई आपको डायरेक्ट रखना है, कुछ करना नहीं है, इसका होता है 2√t और यहाँ +c1 लगा दो। ये संख्या जैसे ही आपके सामने आती है उसका होता है 2√t, डायरेक्ट आप लिख दिया करो। यहां हो जाएगा 6
अब मान रख दो एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स और प्लस 20, और यहाँ सी वन लगा दो, ये हो गया आपका आई वन। तो आई वन तो काफी आसान होता है, मेन होता है हमारा आई टू जो कि ये लिखा हुआ है। तो भाई इसको लगाने के लिए पहले हम ये वाला मिटा देंगे। अब भाई देख लो आपको ना आई टू कैसे हल करना है। तो पहले आई टू बराबर लिख लो क्या है, 34 है, यहाँ है डी एक्स और यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स प्लस 20। जो संख्या अंदर लिखी हुई है इसमें ना आपको एक होल स्क्वायर बना के देना है, बस सवाल हो जाएगा। तो होल स्क्वायर हम अलग से बना लेंगे, देखना कैसे। एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स प्लस 20, देखो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस दो गुणे एक्स और यहां हो जाएगा 9/2। ये आपका बी का मान है, जो भी बी का मान आया करे तो उसका स्क्वायर जोड़ो और हमेशा स्क्वायर घटा दो। साथ में लिखा है प्लस 20, वैसे ही आप लिख दो। बी का मान था 9/2, तो बी का स्क्वायर जोड़ा और बी का स्क्वायर घटा दिया, बाकी सब हमने वैसे ही लिखा हुआ है। अब जो इतने पद है ना, ये आपका बन जाएगा होल स्क्वायर, एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। उसके अलावा आपके पास ये दो पद बचेंगे, माइनस 81/4 और प्लस 20। इनको देखो कैसे हल करोगे, यहां गुणा करो, 20 चक्कू 80, माइनस के 81 है प्लस के 80 है, तो क्या होगा, एक बचेगा, तो आ जाएगा 1/4। और इसे भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो, होल स्क्वायर लगाया और माइनस 1/2 का वर्ग। अब इसकी जगह ना आप यहां पर ये पद रख सकते हो, ये वाले मान आप रख सकते हो। तो आई टू बराबर क्या हो जाएगा, 34 तो आपको लिखने ही लिखने हैं, डी एक्स आपको लिखना है, अंडर रूट में आपको ये वाले लिख देना है, एक्स माइनस 9/2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 और यहाँ होल ऑफ स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला लगेगा लॉग वाला, आई टू बराबर 34 क्या हो जाएगा, लॉग। आप पहले एक्स का मान लिखो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 9/2 और प्लस अंडर रूट लगाओ, और चाहे आप ये पूरी संख्या उतार दो और चाहे आप ये पूरी संख्या उतार दो, दोनों एक ही चीजें हैं भाई। आप चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, दोनों एक ही चीजें हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20 हमने डायरेक्ट लिख दिया मॉड्यूलस, और यहाँ लिख दो C2। ये आपका आई टू का मान हो गया, ये हमारा आई वन का मान है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आई बराबर आई वन प्लस आई टू, दोनों बस आपको जोड़ कर लिख देने हैं और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो सब में ना एक ही तरीका है कि जो पहले आपको सवाल दिया हो उसे आपको दो भागों में बांट कर लिखना है, ए और बी के मान निकाल कर। ए वाला जो है वो डायरेक्ट टी मानोगे और आपका लग जाएगा, लेकिन बी वाला प्रॉपर हल करके लगेगा। कभी कभी तो भाई डायरेक्ट हल हो जाएगा, और जब डायरेक्ट हल नहीं होगा तो आपको ना अंदर होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जब होल स्क्वायर बनाओगे ना तो यहां पर कोई ना कोई सूत्र जरूर बन जाएगा, लॉग में बने चाहे साइन में बने, सूत्र बन जाएगा और आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हो।